मध्य प्रदेश में बारिश से नदी नाले उफनाए हुए हैं। प्रदेश के पूर्वी हिस्से में हालात ज्यादा खराब हैं। जबलपुर में बरगी डैम से पानी छोड़े जाने पर नर्मदा में जल स्तर बढ़ गया है। नर्मदापुरम में सेठानी घाट पर शनिवार की सुबह जल स्तर 956 फीट के पार पहुंच गया। नदी का अलार्म लेवल 964 फीट है और खतरे का लेवल 967 फीट। नर्मदापुरम कलेक्टर नीरज कुमार सिंह शाम तक जलस्तर और बढ़ने की बात कह रहे हैं। उधर मौसम विभाग के मुताबिक शनिवार को ग्वालियर चंबल के जिले शिवपुरी दतिया भिंड मुरैना और शिवपुर में भारी बारिश होने की संभावना जता रहे हैं। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि फिलहाल मध्य प्रदेश में एक एक्टिव सिस्टम है जो उत्तर की दिशा की तरफ जाते हुए दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश के ऊपर चला जाएगा। इसके चलते बारिश की गतिविधि घटेगी, लेकिन ग्वालियर चंबल सागर और रीवा संभाग में मध्यम से भारी बारिश का दौर अगले 48 घंटे तक जारी रहेगा। बरगी बांध के गेट खोले जाने के बाद नर्मदा की कुछ ऐसे वीडियो और तस्वीरें सामने आई हैं जिन्हें देखकर लोग रोमांचित हो रहे हैं। बरगी बांध के गेट खुलने के बाद लोग नर्मदा के बेतहाशा जल को देखने भी यहाँ पहुँच रहे हैं। देखिए, जो कम नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश पर जो कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ था वो दक्षिण पश्चिम बिहार और एडज्वाइनिंग दक्षिण पूर्व यूपी की ओर जा रहा है। दूसरा मानसून ट्रफ है जो गंगानगर हिसार दिल्ली हाथरस कानपुर और प्रयागराज से साउथ वेस्ट बिहार की ओर एडज्वाइनिंग साउथ ईस्ट यूपी धनबाद भोपाल होते देवबंगाल तक जाती है, जिसके कारण चंबल और ग्वालियर संभाग के जिलों में और सागर और सतना रीवा जिलों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी। शेष प्रदेश में हल्की सी मध्यम वर्षा गरज चमक के साथ होने की संभावना रहेगी। राजधानी में भी हल्की बारिश से मध्यम बारिश होने की संभावना रहेगी। ये देखिए, इसका प्रभाव क्योंकि बारिश की और कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम नहीं है और ये वर्षा के में एक्टिविटी में कमी ही आएगी।